सो व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर एंड अ फ्रेश वीडियो गाइज। और ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ टाटा पंच का ऑरेंज कलर जो कि स्पाय हुआ है, तो इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको एक एक करके बताऊंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करे करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो हम इस टाटा की माइक्रो एसयूवी को कई नाम से जानते हैं, जैसे कि H2X कंसेप्ट 2020 के ऑटो एक्सपो में ये शोकेस करी गई थी, उसके बाद HBX एंड हॉर्नबिल। बट कंपनी ने अभी अभी ये अनाउंस करा है कि ये जब लॉन्च होगी तो ये जानी जाएगी टाटा पंच के नाम से। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपको बताया था। इट विल बी द फर्स्ट एसयूवी टू बी बिल्ट ऑन एन अल्फा ARC एगाइल लाइट फ्लेक्सिबल एडवांस आर्किटेक्चर विद इम्पैक्ट 2.0 design language. It will be positioned below the Nexon subcompact SUV in India and will employ latest features while it will share its engine lineup with Altroz premium hatchback. तो मेन चीज जो मेरे को आपको दिखानी थी कि ये टाटा पंच का एक नया ऑरेंज कलर जो है वो स्पाई कराया गया है पुणे में, एंड ये बहुत जल्द कुछ आने वाले दिनों में ये लॉन्च हो जाएगी। फेस्टिव सीजन में आपको शायद से लॉन्च इसका देखने को मिल जाए। दो टाटा मोटर्स हैज़ नॉट अनाउंस द स्टार्ट ऑफ ऑफिशियल बुकिंग्स, बट अनऑफिशियल बुकिंग्स जो है कई जगहों पर स्टार्ट हो चुकी है अक्रॉस इंडिया सेलेक्ट डीलरशिप्स पे। एंड टू टोन कलर स्कीम, द 5-seater माइक्रो SUV इन सब 4-meter कैटेगरी विल स्पोर्ट अ 2-tone कलर स्कीम, एंड इसमें आपको देखने को मिलेगा सी पिलर्स, इंटीग्रेटेड डोर हैंडल्स और स्क्वायर व्हील आर्क्स, प्लास्टिक बॉडी क्लैडिंग होगी और एक बड़ा सा फ्रंट बम्पर होगा, स्प्लिट हेडलैम्प्स एंड LED DRLs अलॉन्ग विद LED टेल लैम्प्स इन अ सिग्नेचर ट्राई एरो डिज़ाइन विल बी सीन। ये भी आपको स्पाय शॉट्स में देखने को मिला जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अ रैक्ड विंडशील्ड एंड अ स्कल्प्टेड Tailgate are also a part of exterior makeup. The new punch will ride on 16-inch alloy wheels. अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो आपको उसमें देखने को मिलेगा एक लार्ज और कंफर्टेबल कैबिन विद एम्पल स्पेस फॉर अप टू 5 adults इन अ सिमिलर अरेंजमेंट दैट सीन ऑन इट्स HBX कॉन्सेप्ट। फीचर इन इट्स टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट विल सी अ सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 7-inch टचस्क्रीन इनफोटमेंट सिस्टम विद अ फ्लोटिंग डिस्प्ले यूनिट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड अ फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील। And it will also receive push button start stop cruise control climate control and a rear armrest with cup holders. Safety will be via dual front airbags, ABS with EBD and rear parking camera. And Punch should also receive segment first feature like hill start assist and hill descent control along with traction mode of sand, mud and rock. इस सेगमेंट में आपको ये पहली बार शायद देखने को मिले। अब बात करते हैं इसके इंजन की और ट्रांसमिशन की। तो टाटा पंच आपको देखने को मिलेगी सिंगल पेट्रोल इंजन ऑप्शन में, एज इज ऑल्सो सीन इन द टियागो, टिगोर एंड अल्ट्रोस। दिस 1.2-liter नेचुरली एस्पिरेटेड 3-cylinder पेट्रोल इंजन विल ऑफर 86 HP पावर एंड 115 Nm ऑफ टॉर्क मेटेड टू अ 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक। इट कुड ऑल्सो रिसीव अ टर्बो वेरियंट ऑफ द सेम इंजन अलॉन्ग विद CNG ऑप्शन एज लेटर स्टेज। अब इसका एक एस्टिमेट प्राइस लगा लेते हैं कि किस प्राइस में लॉन्च हो सकती है। तो इट कैन बी इन ₹5-8.5 lakh रेंज, और इसके कॉम्पिटिशन्स होंगे KUV100, मारुति इग्निस, ये सब इसके राइवल्स होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।